टाटा मोटर्स की ये गाड़ियां जवानों को नहीं होने देंगी शहीद। पुलवामा हमले के बाद देश भर में जवानों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। क्यों सरकार देश के जवानों को ऐसी गाड़ी मुहैया नहीं कराती जिससे पुलवामा जैसी घटना में जवानों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स इंडियन आर्मी को कुछ ऐसे वाहन देने जा रही है जिसकी सेना के बेड़े में शामिल होने के बाद जवानों को पुलवामा जैसे ब्लास्ट में शहीद नहीं होना पड़ेगा। और आज हम उन्हीं गाड़ियों की लिस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको हमारी ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर एक पर जो इस गाड़ी के बारे में आपको बताएंगे, आपने आज तक ऐसी गाड़ी नहीं देखी होगी। नमस्कार दोस्तों, और द मिस्टिका लैंड पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जिन गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं उनमें से कुछ गाड़ियां पहले से इंडियन आर्मी के बेड़े में काम कर रही हैं और कुछ 2019 के अंत तक भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। ये सभी गाड़ियां टाटा मोटर्स ने बनाई हैं। सबसे पहले है बेहद ही पॉपुलर एसयूवी टाटा सफारी स्टॉर्म। इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल होने वाली टाटा की इस एसयूवी को टाटा सफारी का आर्मी एडिशन कहा जा रहा है। टाटा ने इंडियन आर्मी को इस गाड़ी की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। अब तक 1500 टाटा सफारी स्टॉर्म सेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है। ये नई सफारी स्टॉर्म इंडियन आर्मी की पुरानी मारुति सुजुकी जिप्सी को रिप्लेस करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा को ऐसी कुल 3192 गाड़ियां इंडियन आर्मी को देनी है। जहां तक इसके फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी को भी सेना की अन्य गाड़ियों की तरह ही मैट ग्रीन कलर से पेंट किया गया है। इसके साथ ही इस गाड़ी के फ्रंट और रियर बम्पर पर ब्लैकआउट लैंप्स है। 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से लैस इस गाड़ी से आर्मी के जवान माउंटेन रीजन से लेकर रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में भी आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। इतना ही नहीं, टाटा सफारी स्टॉर्म में हार्ड टॉप 800 किलो तक की लोडिंग कैपेसिटी और एयर कंडीशनिंग जैसे फीचर्स भी शामिल है। इसमें एक बार में 6 जवान आसानी से सफर कर सकते हैं। इस गाड़ी में अंडरबॉडी सेफ्टी लगी हुई है जो जवानों को गोली और बम जैसे हमलों से बचाए। इसमें NIJ लेवल 3 का बुलेट प्रूफ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से 7.62 mm की बुलेट के वार को भी ये गाड़ी आसानी से झेल सकती है। इसके अलावा इसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस, फोर व्हील ड्राइव और लेडर ऑन फ्रेम चेसिस दी गई है। कैस्ट्रोल 8.8 टाटा मोटर्स भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने WAV यानी व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म व्हीकल विकसित किया है, जो की एक इन्फेंट्री कॉम्बेट व्हीकल है। ये पानी और जमीन दोनों पर चल सकती है। टाटा ने इस व्हीकल को DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। भारतीय सेना की ये गाड़ी सड़क, पानी और युद्ध के मैदान में किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। इसमें एक प्रोपेलर लगा हुआ है जो इसे पानी की सतह पर चलने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोलिक रैम डोर के साथ साथ एक कैमरा भी लगा हुआ है। ये गाड़ी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जैसी उन्नत तकनीक से लैस है। इसमें एक साथ 12 जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये गाड़ी सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है, जबकि पानी में इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा इस गाड़ी में 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन भी लगी हुई है। टाटा लाइट स्ट्राइक SUV। टाटा मोटर्स इंडियन आर्मी के लिए लाइट स्ट्राइक SUV का निर्माण कर रही है, जिसमे स्टेनेक 4569 रेटल बुलेट प्रूफिंग की गई है, जो 100 मीटर की दूरी से भी राइफल की फायरिंग को झेल सकती है। इस SUV को टाटा नेक्सन के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। इसकी छत पर एक MMG भी लगाई गई है, जो कि 7.62 mm राउंड और 40 mm AGL और ATGL के साथ लगाई जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इसमें ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही टाटा मोटर्स सेना को इसकी डिलीवरी शुरू कर देगी। माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल MPV 4.4। अचानक हुए हमले और लैंड माइंस वाले एरिया में सैनिकों की सुरक्षा के लिए ये व्हीकल कर्ण के कवच जैसा साबित होता है। टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है जिससे देश के जवानों को बैलिस्टिक और लैंड माइन जैसे विस्फोट के समय सुरक्षित रखा जा सके। इसे NIJ लेवल 3 प्रोटेक्शन बुलेट प्रूफिंग के साथ तैयार किया गया है। इस गाड़ी में गन फायरिंग पॉइंट भी है, जिससे अचानक हुए हमले के समय जवान सुरक्षित रहते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते। टाटा मर्लिन LSV। टाटा मोटर्स ने इंडियन आर्मी के लिए ये पावरफुल गाड़ी बनाई है। ये कार एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। कार में साइड और रियर एंगल पर स्टेनस 4569 लेवल 1 की बुलेट प्रूफिंग दी गई है। इस सेफ्टी लेवल का मतलब होता है कि इस कार में बैठे सैनिकों को आर्टिलरी, ग्रेनेड और माइन किसी भी तरह के धमाकों से कोई खतरा नहीं होता। इस गाड़ी में ऐसे टायर लगाए गए हैं
जो रास्तों के हिसाब से खुद को ढाल लेने में सक्षम है। साथ ही दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए गाड़ी में 7.6 mm की मशीन गन, 40 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल भी लगाई गई है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं टाटा मोटर्स की ये सभी गाड़ियाँ जल्द से जल्द हमारे सेना के दस्ते में शामिल होकर उनकी शक्ति को बढ़ाएं। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल द मिस्टिकल एंड सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।